हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू आवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और ये बेल बटन दबाना ना भूलिएगा हमारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है हाउ टू गेट ग्लोइंग क्लियर एंड ब्राइट स्किन एंड हाउ टू गेट रिड ऑफ स्टबर्न एक्नी। जो जिद्दी दाने होते हैं या जिद्दी पिंपल्स होते हैं उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए और स्किन के अंदर ग्लो, ब्राइट और क्लियर स्किन को कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों, देखते हैं कैसे हमने ये फेस पैक बनाया है। और ये फेस पैक बहुत ही यूज़फुल है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं एलोवेरा जेल। ये आपके सामने मैंने एलोवेरा जेल की एडवांटेजेस आपको मैंने दिखाई है और मैं आपको बता भी रही हूँ। एलोवेरा जेल में बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी स्किन को हेल्दी बनाते हैं और रिजुविनेट करते हैं। एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो हर स्किन टाइप के लिए यूज़ किया जाता है और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। तो दोस्तों, ये मैंने नेचर्स का एलोवेरा जेल लिया है, आप पतंजलि का भी ले सकते हैं, पतंजलि का भी बहुत अच्छा है और ये भी मुझे बहुत सूट करा। और एलोवेरा जेल की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ऑयली नहीं होता, ये उसी समय आपकी स्किन के साथ मर्ज हो जाता है। तो इस फेस पैक के लिए हम सबसे पहले 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल लेंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है हल्दी, जिसको हम टर्मरिक पाउडर भी कहते हैं। इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो नेचुरल ग्लो को बढ़ाती है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी कॉम्पोनेंट्स भी होते हैं। और हल्दी की सबसे अच्छी खासियत यह है कि वो आपकी स्किन को ब्राइट करता है और स्टबर्न एक्नी मार्क्स को ये बिल्कुल रिमूव कर देता है। तो इसके बाद हम हल्दी को एलोवेरा जेल के अंदर इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, हमने जो ये मास्क बनाया है, आप हमेशा याद रखिएगा, कोई भी मास्क या फिर कोई भी हम रेमेडी जो यूज़ करते हैं उससे हम एक बार में रिजल्ट्स हमें नहीं मिलते। आपको कम से कम इसे 2 या 4 बार लगाएं, उसके बाद आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे और आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप इसे वीक में 2 से 3 बार लगाएं या फिर आप 3 से 4 बार भी लगा सकते हैं। इससे आपको एक्नी से बिल्कुल छुटकारा हो जाएगा, यानी कि पिंपल्स से, और दूसरा डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाएंगे और आपकी स्किन के अंदर नेचुरल ग्लो आएगा और आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी और बिल्कुल क्लियर स्किन आपको मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये रेमेडी आपके कितने हेल्पफुल थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।